हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया हाईलाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं धर्मशाला के टॉप 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। वैसे तो धर्मशाला में काफ़ी सारी घूमने वाली जगहें हैं, बट यहां बताई गई 5 टूरिस्ट प्लेसेस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए अगर आप कभी भी धर्मशाला घूमने आते हैं। पहले नंबर पर है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। 23,000 लोगों की कैपेसिटी वाला यह स्टेडियम हिमाचल प्रदेश रणजी टीम का होम ग्राउंड होने के साथ साथ कई इंटरनेशनल और आईपीएल मैचेस की मेजबानी भी कर चुका है। वैसे तो मैचेस के दौरान यहां टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बाकी दिनों में आप एंट्री फीस देके स्टेडियम का मजा ले सकते हैं। नंबर दो पर है नोरबिलिंगा इंस्टीट्यूट। नोरबिलिंगा धर्मशाला से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 1995 में बना ये इंस्टीट्यूट तिब्बती कल्चर और उनकी कोर वैल्यूज को बचाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। नोरबिलिंगा के अंदर ही लोसेल डॉल्स का एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में तिब्बत की अलग अलग जगहों की वेशभूषा और रहन सहन को डॉल्स के माध्यम से दर्शाया गया है। नंबर तीन पर है सेंट जॉन्स चर्च। ये चर्च धर्मशाला से लगभग 8 किलोमीटर दूर और मैक्लोडगंज के पास एक घने जंगल में स्थित है। शहर के शोर शराबे से दूर और घने जंगल में होने के कारण ये जगह आपकी आत्मा को बहुत अच्छा सुकून भी प्रदान करती है। चर्च के चारों तरफ एक कब्रिस्तान है जिसमें 1905 में भूकंप में मारे गए ब्रिटिश सोल्जर्स को दफनाया गया है। नंबर चार पर है मैक्लियोडगंज। मैक्लियोडगंज सर डोनाल्ड फ्रील मैक्लियोड, जो कि पंजाब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके नाम पर रखा गया था। ज्यादातर तिब्बती पॉपुलेशन होने के कारण मैक्लियोडगंज को लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है। धर्मशाला आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट मैक्लियोडगंज में ही रहना पसंद करते हैं। इसका कारण है यहाँ का शांत और ठंडा वातावरण। नंबर पांच पर है स्टेट वॉर मेमोरियल। देवदार के जंगलों से घिरा हुआ यह स्मारक धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर स्थित है और यहां का मुख्य आकर्षण भी है। यह उन शहीदों की याद में बनाया गया था जिन्होंने 1947, 1962, 1965 और 1971 में अपनी मातृभूमि की रक्षा के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उन सब वीर योद्धाओं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं।